हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके द फर्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंटरमीडिएट का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के जो सुधार में है फ्रेंड, उनके लिए डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है। तो चलिए और भी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है फ्रेंड, उस पर ट्वीट कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डेट को बढ़ाने की बात कही है। तो देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल ट्वीट है फ्रेंड, और यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ यह बता दिया है कि देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो त्रुटि सुधार हेतु तिथि विस्तृत की गई है, मतलब फिर से तिथि को बढ़ा दिया गया है फ्रेंड। अब आप लोग इतना दिन तक इसका देख सकते हैं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, कितना दिन बढ़ाया गया फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल ट्विटर अकाउंट पर ले जाकर और 100% जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, बता देते हैं कि कितना दिनों तक फिर से जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि में सुधार के लिए डेट को बढ़ाया गया है। तो चलिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसका ट्विटर अकाउंट है, उस पर हम लोग आ गए हैं फ्रेंड, और यहाँ पर अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यह ट्वीट कर बताया गया है। देख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ओवन हावर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार हेतु डेट विस्तृत यानी बढ़ा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो है फ्रेंड, इसको हम लोग ओपन कर बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिन का डेट को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए, वीडियो शुरू होने वाला है फ्रेंड। तो देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के जारी किए गए डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि सुधार हेतु तिथि विस्तारित किया गया है। डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि सुधार अब दिनांक 11 अगस्त 2022 तक समिति की वेबसाइट inter23.biharboardonline.com के माध्यम से किया जा सकता है। जारी किए गए डमी सूचीकरण कार्ड में विद्यार्थियों के नाम या उनके माता पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो, या नाम के टाइटल में त्रुटि हो, या फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि हो, तो इसका सुधार दिनांक 11 अगस्त 2022 तक संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया जाएगा। डमी सूचीकरण कार्ड में यदि त्रुटि पाई जाती है तो विद्यार्थी स्वयं उस त्रुटि का सुधार कर अपने हस्ताक्षर के साथ उसकी एक प्रति यानी फोटोकॉपी अपने संस्थान के प्रधान को सुधार हेतु उपलब्ध करा देंगे, जिसके आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के उक्त विवरण में ऑनलाइन त्रुटि सुधार किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन का जो डेट है फ्रेंड, तो देख सकते हैं यहाँ पर सुधार का डेट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से हम आपको बता रहे थे, और अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यह ट्वीट कर बताया गया है कि अब देख सकते हैं 11/8 तक अब आप लोग अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, तो आई होप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय।